अरे नहीं 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 फिनिश लाइन आ गई, फिनिश लाइन आ गई, मुझे निकल लेते, मुझे निकल लेते, जस्ट इन टाइम फर्स्ट। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले एक ऐसा फेमस कार रेसिंग गेम जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़े मतलब लेवल पे इवेंट्स कराता है, जिसका नाम है स्पेल्ट 9 लेजेंड्स। आई नो आप सभी लोगों ने इस कार गेम का नाम सुना होगा, जो कि PC और एंड्रॉयड दोनों पे ही अवेलेबल है, आई थिंक सो iOS पे भी अवेलेबल है, और ये स्पेल्ट सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स वाला गेम है। तो आज हम लोग यही गेम ट्राई करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी इस गेम को खेल चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे YouTube पे भी अपलोड करके देखा जाए कि किस तरह का परफॉर्म करती है इसकी गेम प्ले वीडियो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस गेम को ट्राई कर लिया जाए YouTube पे। सबसे पहले तो गाइज, इस गेम को स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपली बता देता हूँ कि एक कार रेसिंग गेम है जिसके अंदर हमारे पास एक करियर होता है। उस करियर के अंदर जो भी हमारे पास सीजन्स होते हैं, उन सब सीजन्स को खेल के हमें फाइनल तक पहुंचना होता है। इसके अंदर बहुत सारे कार्स के मॉडल भी हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी कार की कलेक्शन है, मतलब DC BAS सीरीज़, इतनी सारी सीरीज़ है, उसके अंदर 100-200 से भी ज़्यादा कार्स हैं। तो हमें ये सारी कार अनलॉक करनी है इन फ्यूचर, और आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी का मोस्ट फेमस मॉडल है, और ये वही कार है जो इस गेम को लॉगिन करते वक्त जो वॉलपेपर पे दिखती है लोडिंग पेज पे, ये वही कार है। आप लोग को पीछे से दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर ये देख रहे हो ये सेम वही मॉडल है। तो ये कार भाई इवेंट में खोल ली थी मैंने। तो बाकी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग करियर शुरू करते हैं हमारा। जैसे कि आज मैं करियर अपना करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग हैं, जैसे मैंने पहला वाला जो सीज़न है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। दूसरे सीज़न में मेरे को जो है अमेरिकन मोस्ट वांटेड के जितने भी रेसेस हैं, ऑलमोस्ट उसमें 7 रेसेस हैं, हमें 7 की 7 रेसेस कंप्लीट करनी है। और इसके अंदर कुछ ना कुछ टास्क होते हैं, जो टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हमें सीजन फ्लैग मिलता है, जैसे कि आप लोग इस कॉर्नर में देख सकते हो। इन सभी फ्लैग्स को हमें कलेक्ट करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें एक है, इसके लिए एक की रिक्वायरमेंट है, तब जाके अगला लेवल खुलेगा। फिर इसी सीज़न के 2 फ्लैग मिल जाएंगे तब जाके लेवल 3 खुलेगा, फिर 3 मिल जाएंगे तो 4, ऐसे ही करके लास्ट लेवल खुलेगा जब लेवल 6 पे हम लोग 5 फ्लैग कलेक्ट कर लेंगे, तब जाके लेवल 6 खुलेगा। यहाँ पे हमें 6ठा फ्लैग मिलेगा, मतलब लेवल 7 खुलेगा बेसिकली। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस रेस को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, रेस शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी कार रेसिंग गेम में इंटरेस्टेड है वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और कमेंट में ज़रूर से बता देना कि आप लोग की सबसे ज़्यादा फेवरेट कार कौन सी है इस गेम में। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास है Porsche 911 GTS, ठीक है। अब इस रेस को कंप्लीट करने के लिए पहले मेरे को इसे अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बी सीरीज के रैंक के अंदर मुझे 1555 तक की रैंकिंग की ज़रूरत है, जो कि नहीं है, मेरे पास 1243 की रैंकिंग है। तो इसे बेसिकली मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा, और आई होप कि अपग्रेड करने के बाद ये इस रैंक में आ जाए कि मैं इससे कम से कम रेस कर सकूं। ओके, ये तो बढ़ रहा है। ओह, एक तो ये इवेंट कैलेंडर भी है, इसे भी कंप्लीट करते रहना पड़ेगा, मतलब पास वगैरह है, इसे भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे अभी इसकी टॉप स्पीड जो है वो हमने स्टेज 2 पे सेट कर, मतलब स्टेज 2 तक अपग्रेड कर दिया है। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 313.7 किलोमीटर पर आवर है। अब हम इसे जितना मैक्स पॉसिबल है अभी फ़िलहाल कर देते हैं। ओके, लेवल मतलब स्टेज 5 तक हो गई है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन को भी मैक्स स्टेज 5 तक होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक हमें इसके ब्लूप्रिंट्स नहीं मिलते इसके आगे ये अपग्रेड नहीं हो सकती। सेम हैंडलिंग को भी हम स्टेज 5 तक अपग्रेड कर देते हैं। ओके, ओ माय गॉड, मुझे लग नहीं रहा कि ये हो पाएगी यार। ओह, नेट्रो है हमारे पास, नेट्रो को भी अपग्रेड कर देते हैं। ओह माय गॉड, देखो यहाँ पे मैंने नेट्रो को भी अपग्रेड कर दिया, हैंडलिंग को भी अपग्रेड कर दिया, फिर भी हम इतने पॉसिबल रैंक में पहुँच नहीं पाए। यहाँ पे कुछ स्पेशल इम्पोर्टेड पार्ट्स हैं, इन्हें लगा देते हैं, इससे थोड़ा बहुत अपग्रेड मिल जाएगा ताकि हम एटलीस्ट रेस तो कर सकेंगे। ओके, मुझे यहाँ पे अभी भी 53 रैंक कम पड़ रही है, बट आई थिंक सो हम इतने में रेस कर लेंगे, अगर मतलब रिस्क लेके तो कर ही लेंगे।
बाकी थोड़े बहुत इवेंट्स वगैरह हैं इन्हें छोड़ देते हैं, फिलहाल इग्नोर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक फ्री पैक मिल रहा है हमें, इसे खोल लेते हैं। BMW एक बार देख लेते हैं। उसके यहाँ पे हमें टोकन्स मिल गए हैं ब्लू कलर के, इन्हें भी कलेक्ट कर लेते हैं। बाकी चलो भाई, मुझे तो नहीं लगता यार हम इतने इस कार से यार नहीं हो पाएगा। और इसके सिवा आई थिंक सो कोई कार ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि और कार्स तो हमारे पास खुली भी नहीं है। ये खुल सकती है लेकिन इसके लिए बैजेस चाहिए। ओके कोई बात नहीं, फिलहाल इसी से एक रेस करके देखते हैं, अगर पॉसिबल है इससे रेस हो जाती है तो। ओके ये पॉसिबल नहीं है भाई, अपग्रेड करना पड़ेगा। और चलो फिर इसके तो ब्लू प्रिंट कलेक्ट करने पड़ेंगे। ब्लू प्रिंट कलेक्ट करने के लिए सीजन पास ले लो, सीजन इवेंट खेलो, उन्हीं सब में मिल सकती है। खैर फिर इसे ड्रॉप करते हैं और इसके सिवाय कोई और ट्राई करते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मेरे को सी मतलब ये क्लास सी की जो प्रो रेसेस है अभी तक मैंने ये कंप्लीट नहीं किया। इसमें पहला रेस खेल लिया है, दूसरा रेस मेरे को दोबारा खेलना पड़ेगा, तो इसे खेलते हैं। यहाँ पे मेरे को सी सीरीज की कोई सी कार यूज़ करनी है। ओके तो फिलहाल तो मेरे पास यही कार है जो अभी तक सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है, और इसके अंदर देखते हैं क्या करना है। ओके तो यहाँ पे मेरे पास है विन दिस रेस, मतलब विन द रेस, मेरे को ये रेस बेसिकली जीतनी है। बाकी दो तो मैंने कंप्लीट कर लिए थे, जस्ट मेरे को एक रेस जीतनी है बस। लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। ओके ओ भाई मर्सिडीज वगैरह लैम्बोर्गिनी वगैरह से रेस करने जा रही है हमारी ये लोटस। बस थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर जाए यहाँ पे मेरी कार, उसके बाद तो आई होप सो कि रेस जीतने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके मेट्रो यूज करते हैं। पोजीशन फोर्थ, मैं फर्स्ट पोजीशन वाले से आगे था फिर भी मेरा पोजीशन फोर्थ दिखा रहा था। ओके अभी थर्ड पे हम लोग। भाई साहब इन कार की टॉप स्पीड कितनी ज़्यादा है। नहीं 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 कंट्रोल नहीं होना, कंट्रोल नहीं होना। ओके यहाँ पे बूस्ट करते हैं। इसमें हैंडलिंग में यार बहुत दिक्कत आ रही है सीरियसली, मतलब कार की टॉप स्पीड इतनी ज़्यादा है इसे हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। 50% रेस कंप्लीट हो चुकी है और मैं अभी भी थर्ड पे हूँ। भाई आगे बढ़ो। ओके यहाँ से थोड़ा मीटर, ओके यहाँ से बूस्ट करते हैं एक और बार, थोड़ा सा ड्रैग करते हैं और बूस्ट करते हैं, फिर ड्रैग करते हैं, फिर बूस्ट करते हैं। वो नहीं यार ग्रास पे नहीं, स्पीड स्लो हो गई मेरी कार की। ओके आगे दो नेट्रो हैं, एक ले पाया मैं, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ओके हम हैं टॉप पे, टॉप पे, टॉप पे, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यप कर सकते हैं, कर सकते हैं। नंबर वन पे 96, 97, 98, 99, 100। या ओ ये गाइस, तो हम फाइनली ये रेस जीत चुके हैं। चलो फर्स्ट टाइम भाई साहब 1:39 के अंदर, मतलब 1 सेकंड पहले, 1:40 हो सकते थे बट 1 सेकंड पहले रेस कंप्लीट कर ली। चलो तो यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, इसे मैं बाद में कलेक्ट करूँगा। अचीवमेंट्स अनलॉक होती जा रही है। ओके तो यहाँ पे हम जाएंगे रोम में रेस करने के लिए। ओ भाई साहब रोम में रेस करने जा रहे हैं, वापस से सेम कार यूज़ करूँगा मैं, टॉप स्पीड की 310 है। ओके यहाँ पे भी है विन द रेस और 5 स्टंट दिखाने हैं। ओके यहाँ पे हमें 5 स्टंट दिखाने हैं। अब बेसिकली स्टंट्स का मतलब होता है इसके अंदर जो वही छोटे मोटे कार के स्टंट्स होते हैं, जैसे 360 मारना, बैरल रोल करना या टैकल दे के किसी कार को वो कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बेसिकली उन सबको इसमें स्टंट्स कहा जाता है। यहाँ पे मेरे को रेस जीतनी पड़ेगी। और नहीं भाई साहब मेरा रेस से ध्यान क्या हटा, ठुक गए भाई तुरंत ही। ओके ओके नंबर 5 गया, एक स्टंट, दो स्टंट, ओ गॉड क्या ही क्रैश था, ट्विस्ट। ओ भाई साहब ओके नंबर 3 पे हम, नहीं 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 पानी में नहीं, पानी में गिर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओ
शिट, रेस खत्म होने वाली है भाई। 71% रेस, 77, 80% भाई, स्पीड बढ़ाओ। नहीं 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 नहीं, ओ यार सेकंड नहीं, अरे यार थोड़े से टाइमिंग से डिसमैच हो गया, मतलब कर सकते थे यार इसे, कर सकते थे, रीट्राई करेंगे हम इसे। यहाँ पे मैं अगर ठुकता नहीं ना तो मैं कर सकता था भाई, ये चीज मुझे पता है। चलो रीट्राई करते हैं, यहाँ पे मुझे ये फ्लैग चाहिए भाई, नहीं तो मैं आगे के रेसेस तो खेल ही नहीं पाऊंगा। चलो फिर से रीस्टार्ट करते हैं। इस बार पूरा कंसंट्रेट करना है, स्टंट्स में कर चुका हूँ, जस्ट मेरे को रेस क्लियर करनी है, तो स्टंट पे उतना फोकस नहीं करेंगे, जस्ट रेस पे फोकस करेंगे ताकि रेस कंप्लीट हो जाए बस, क्योंकि हमें इसमें जीतना है। चलो इस बार स्टार्टिंग में ही नेट्रो यूज़ करेंगे, थोड़ा सा गैप बना के चलेंगे, थोड़ा ड्रैग करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। इस कार को टैकल दिया, दूसरी को भी टैकल दिया, और नहीं रिवर्स क्यों चल रही है, उल्टी चलने लग गई थी भाई, स्पीड कम हो गई, बताओ यार ये कितनी गलत बात है। हमेशा जब मैं टैकल देता हूँ तो ऐसा क्यों हो जाता है। नहीं लॉन्ग लॉन्ग रेस नहीं लेनी मेरे को, शॉर्ट रेस देनी है जितना पॉसिबल है। इसके अंदर चलते हैं, इधर से टर्न लेते हैं, अब थोड़ा सा नेट्रो मिल जाएगा। ओके नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री मैं हूँ। यस यस कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये कर लिया। यो मुझे पता था ये रेस मैं कर सकता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया था, टाइम मिस हुआ था वहाँ पे, बट फिर भी हमने ये रेस कंप्लीट कर ली भाई, जीत गए, फर्स्ट आए यार, अरे हल्के में ले लेना चाहिए हमें। ओके तो हम यहाँ पे रेस फोर में आ गए। ओके हमें यहाँ पे 12,800 क्रेडिट्स मिल चुके हैं, यहाँ पे ये रेस खेलते हैं अब हम, सेम कार चुनूंगा क्योंकि मेरे पास इस सीरीज में अभी सबसे बेस्ट कार यही है। मेरे पास के दो ब्लू प्रिंट्स और आ गए। चलो भाई रेस स्टार्ट करते हैं। ओ मेरे पास सिर्फ दो फ्यूल्स और बाकी हैं इस कार के, विन द रेस। ओके तो चलो भाई ये रेस भी जीतते हैं। यार इसकी ना ये स्टार्टिंग एनिमेशंस बहुत तगड़ी लगती है। ओ भाई साहब लैम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज, कैसी कैसी कार लेके आ जाते हैं भाई मुझे हराने के लिए। मुझे देखो भाई ऐसी कार लेके आया हूँ मैं, लोटस, अजीब सी कार। अरे भाई यार पता है ऐसी कार के बारे में मैंने सिर्फ इस गेम में सुना है, जैसे लोटस हो गई, और भी थोड़ी सी हैं कुछ कार ऐसी है, मतलब जिसका नाम ना मैंने इसी गेम में आके सुना कि ये कार भी एग्जिस्ट करती है क्या, ऐसे करके। यहाँ से निकलते हैं, हम थर्ड पोजिशन पे। ओ मिस हो गया यार वो, थोड़े स्टंट्स करते हुए चलेंगे ताकि नीट्रो मिलता रहे। जा मेरे सामने से, नहीं नहीं नहीं, ओ व्हाट, कैसा मैप है इसमें, सामने से ट्रेन आ रहा है। सोचो यार ये कार अगर, मतलब ये रेस जो है अगर रियल में कोई बंदा करता हो भाई, उसकी तो जान जाने की मतलब चांसेस हैं, चांसेस क्या है, मरी जाएगा बंदा, ऐसी जगह पे रेस कराता कौन है भाई। इस बार थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके फर्स्ट पोजीशन वाला दिख रहा है मेरे को। ओ भाई साहब हैंडलिंग, अरे फिर कोई आ गया यार, मैं अभी फर्स्ट पे आया था। चाहे ड्रिफ्ट ले रही है भाई कार, इस कार को बस पीछे करना है। मैं इसको आगे नहीं आने दूंगा, अब सेम स्पीड पे चल रहे हैं भाई हम ऑलमोस्ट। ओ भाई रेस जीत जाओ पहले, तो फिनिश लाइन आ गई ना, मैं रेस जीत गया भाई, इजी, बहुत इजी भाई, मजा आ गया। ये बहुत इजी रेस थी भाई, चुम्मेश्वरी मैच भाई साहब, देख रहे हो कितना अंधा पैसा छापने की ट्रिक है, एड देखो और पैसे कमाओ। ओके इसमें टोटल कितनी रेसेस हैं, 12 रेसेस है, ओ माय गॉड। इसके अंदर कितनी फिर मिशंस भी बहुत सारे होंगे यार। ओके इसके अंदर दो फ्लैग्स मिलेंगे हमें, सेम कार, भाई ये रेस बहुत छोटी है, लिटरली बहुत छोटी है ये रेस, विन द रेस और 3 शॉक वेव देना है। इसका मैप सिर्फ 30 का है। ओ भाई साहब
शॉक वेव जनरेट करने के लिए मुझे उस कार की मतलब नेट्रो भरना पड़ेगा। ओके पहला शॉक वेव हो गया, फिर से भरते हैं नेट्रो। ओके दूसरा शॉक वेव हो गया, तीसरा शॉक वेव, चलो तीन शॉक वेव कंप्लीट। अब जस्ट रेस को जीतना है। ये क्या है भाई, वो उस कार को लेके, अरे नहीं नहीं नहीं, फिनिश लाइन अभी मुझे निकल लेते जस्ट इन टाइम फर्स्ट। ओ माय गॉड, कितनी ज्यादा डीपली मैं जीता, मतलब देख लो लास्ट टाइम पे जीता। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, यहाँ पे देखना जैसी रेस कंप्लीट होने वाली होगी ना भाई साहब, क्या ही टाइमिंग पे मैंने फ्लिप करी। अगर मैं वहां पे फ्लिप नहीं करता ना तो भाई ये रेस में सेकंड आता है। यहाँ पे फ्री कर देते हैं इसे, देखना कितना क्लोजर जीता हूँ मैं, देखना आगे से दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखना यहाँ पे अगर मैं ट्विस्ट नहीं करता ना इस जगह पे तो भाई साहब मेरा जीतना मुमकिन नहीं था। बट खैर भाई, तुम्हारा भाई है ही लेजेंड। बहुत बढ़िया, चलो ये भी रेस इजीली कंप्लीट हो गई। अब हम खेलेंगे सिक्स्थ रेस, इसके अंदर भी दो फ्लैग्स मिलेंगे भाई, सेम कार, लास्ट फ्यूल बचा है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, रेस है 90 की, विन करना है रेस को, और नाइट्रो चाहिए मेरे को 15 सेकंड का नाइट्रो। ओके 15 सेकंड यार थोड़ा ज़्यादा है, मीन्स 10 सेकंड तो इजीली हो जाता है, बट 15 सेकंड बहुत बड़ी बात होती है भाई। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को नेट्रो कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं नेट्रो अप्लाई कर सकूं, और मैं ये नेट्रो यूज़ करूँगा जिसमें ज़्यादा टाइम मिलता है हम लोग को। ओके ओके शॉक वेव यूज़ कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा स्पीड आ जाएगी। यहाँ से ट्विस्ट करते हैं, वो बैरल रोल, दो कंटिन्यू बैरल रोल भाई। अभी मैं फिफ्थ पोजीशन पे चल रहा हूँ, मेरे को जल्दी से जल्दी ये नाइट्रो वाला सीन कंप्लीट करना पड़ेगा। 15 सेकंड देख रहे हो यार, 15 साइड में देखो, तुम लोग को टाइमिंग दिख रही होगी नाइट्रो टाइमिंग, तो उसे कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यार मेहनत करनी पड़ रही है। ओके 11 सेकंड हो चुका है, थोड़ा सा और फिर उसके बाद रेस पे कंटिन्यू होते हैं। ओके 13 सेकंड हो चुका है, 14 सेकंड हो चुका है, 15 सेकंड, यस इनफ ना, हमारे पास सिर्फ 50% रेस ट्रैक बाकी है भाई। अब थोड़ा शॉक वेव वगैरह देते हैं, यहाँ से जितनी स्पीड में निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ना मेरे ख्याल से ना मेरे को रेस पे कंसंट्रेशन देना चाहिए था स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर मैं सिर्फ रेस पे कंसंट्रेट करूँ तो मैं नेट्रो तो नॉर्मली यूज़ करता ही हूँ यार, हर कोई करेगा नेट्रो यूज़ तो। हाँ मेरे को नेट्रो ऐसे ही यूज़ करना चाहिए था, फालतू में एक्स्ट्रा टाइम नेट्रो को नहीं देना चाहिए था मेरे को। बाकी मैं सेकंड पोजीशन पे हूँ, 85% रेस कंप्लीट हो चुके हैं, 87-10% रेस बाकी, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को। 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ओके इजी गेम भाई, ये भी बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। बट अब मेरे पास इस कार की फ्यूल्स ख़त्म हो गए, हो सकता है मेरे को फ्यूल परचेज करना पड़ जाएगा। देखो 10,300 की जगह 30,900 ऐड देख कर, अरे भाई साहब, चलो कोई बात नहीं, ये रेस करते हैं, जितनी पॉसिबल है उतनी रेस आज हम कर डालेंगे, ट्राई करते हैं कि ये सीज़न ही कंप्लीट हो जाए। ओके यहाँ पे मेरे पास फ्यूल ख़त्म हो चुका है, स्किप करने के लिए मैं 18 अगर टोकन्स दे देता हूँ, चलो यार हटाओ, रेस कंप्लीट करनी है, सीज़न कंप्लीट हो बस, और कुछ नहीं चाहिए, फिनिश दिस रेस। अच्छा इस रेस को बस ख़त्म करना है, इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं आना, इसको ख़त्म करना है। बट हम तो भाई ज़िद्दी हैं, हमें तो आना तो टॉप ही है, फर्स्ट ही आएंगे चाहे कुछ। एक मिनट, अच्छा ये टाइमिंग वाली रेस है भाई, तो फिर तो मेरे को ये लेते हुए चलना पड़ेगा, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है उसमें हमें टाइम के बेस पे कंप्लीट करना होता है भाई ये मैच, उसके हिसाब से मिलता है हम लोग को मतलब रिजल्ट। और बहुत कम टाइम है यार, 11 सेकेंड्स, अबे रेस तो बहुत बढ़िया भी। अच्छा चलो यहाँ से मिल जाएगा ना भाई, फुल्ली नेट्रो में रहना है मेरे को, जितनी पॉसिबल स्पीड है उतने में रहना ही है। तो 2 सेकंड यहाँ से मिल गए, तो आगे से 10 सेकंड हमें दोबारा मिल जाएंगे, ये मिल गया 10 सेकंड दोबारा, नेट्रो यूज़ करते हैं। यहाँ से मेरे को 2 सेकंड ले लेना चाहिए था यार, नहीं ले पाया, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा सा हार्ड रेस होने वाली है मेरे लिए। 7, 6, ओ भाई साहब चलो फिर से मिल गया, थोड़ा सा टाइम मिल गया, ये ले लेते हैं, 2 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इससे हमें।
64% रेस हो गई 65, और वहाँ पे 10 सेकंड्स फिर मिल जाएंगे, 7, 6 सिर्फ फिर से हो गया, तो 14, 15 सेकंड। यहाँ से निकलते हैं फटाफट, 80% यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे, 2 सेकंड मिल जाएंगे हमें एक्स्ट्रा, यहाँ पे 10 सेकंड दोबारा मिल गए। रेस तो ईजिली कम्प्लीट हो गई यार, मेरे पास अभी 12 सेकंड है, फिनिश लाइन भी आई गई। चलो टिक टिक होने से पहले पहुँच गए, नहीं टिक 8वीं टिक पे पहुँचे, बहुत बढ़िया, मस्त जा रही है यार रेस तो आज। अब तो मैं एक के बाद एक जीतता चला जा रहा हूँ। आई होप गाइज तुम लोग को भी मज़ा आ रहा होगा, एक बार ज़रूर यार इस गेम को ट्राई करना, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। ओके यहाँ पे मेरे को 2 कार्ड्स मिल रहे हैं, 1 सेकंड, एक चैप्टर 2 कार्ड पैक, ओके यहाँ पे शायद 2 कार्ड्स मिलेंगे मेरे को, क्या यार डॉज के ब्लूप्रिंट्स मिल रहे हैं। खैर छोड़ो, इसको हमें कंटिन्यू करना है, वापस से सेम कार लेते हैं, रेस नंबर, ओ भाई इसके अंदर कितने कितना छोटा मैप है, और देखो जरा एक बार क्या क्या करना है, विन भी करना है रेस को, 400 मीटर की ड्रिफ्ट भी लेनी है, और एक बैरल रोल भी करना है, अरे भाई साहब, और सिर्फ 30 साइज़ का मैप है, तो छोटा मैप है सबसे ज़्यादा, इससे छोटा मैप नहीं होता है इस गेम में, सबसे छोटा मैप जिसमें 400 मीटर की खाली तो ड्रैग वो लेनी है, ड्रिफ्ट लेनी है। ओके चलो कोई बात नहीं, अभी से शुरू कर देते हैं थोड़ा बहुत, 100 मीटर हो चुका है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, अब लेते हैं 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर। चलो ड्रैग कंप्लीट हो गया, अब मुझे बैरल रोल करने के लिए एक वो चाहिए, क्या कहते हैं उसे, जंप जैसा जो होता है। रेस तो मैं विन कर गया, मैप भी ख़त्म हो गया यार, वो मेरे को मिला ही नहीं, वो उसको क्या कहते हैं जो होता है जिससे कार जंप कराते हैं यार, वो जो हाइट्स ही होती है, पता नहीं मेरे को उसे क्या कहते हैं यार, याद नहीं आ रहा मुझे, इस रेस को दोबारा से करनी पड़ेगी क्योंकि एक फ्लैग रह गया मेरा। कोई बात नहीं, मैं रेस ऑलरेडी जीत चुका हूँ, तो फिर मेरे को इसमें बैरल रोल कर लेना चाहिए बस एक बार और खेल के इसे, उसके लिए मेरे को जंप को यूज़ करना पड़ेगा। चलो सेम कार्ड लेते हैं, दोबारा से प्ले करते हैं, जस्ट मेरे को एक बैरल रोल करना है, उसके बाद ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। वैसे मैप बहुत अच्छे हैं यार इस गेम के अंदर, टेक्सचर्स, मैप, जो कार का साउंड है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है। चलो भाई यहाँ पर ये रीजंप, इसके इससे हमें मिल जाएगा बैरल रोल इजीली, बहुत बढ़िया, अब फर्स्ट आना है बस। हालांकि मैं रेस तो जीत चुका हूँ, तो मेरा मिशन तो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है। ओ मेरी कार की स्पीड स्लो हो गई, वो फर्स्ट पहुंच गया इस बार, जाने थोड़ी दूंगा मैं। चलो यार ये भी कंप्लीट हो गया, नाउ हम 9th पे आ गए, और इसके बाद कितनी रेस बाकी है, ओके 9, 10, 11, 12, 4 रेसेस हैं, इन्हें भी फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। सेम कार, विन द रेस और 2 बैरल रोल, और मैप कितने साइज का था ये मैंने देखा ही नहीं, बहुत बढ़िया। चलो भाई इस बार कितनी सारी कार से देखना है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 कार, वाओ। और ये कहाँ हो रहा है, ओ भाई सब ये देखो पिरामिड्स, इजिप्ट में रेस हो रही है। हटो भाई हटो, साइड दो, बैरल रोल करना है यार, पे फोकस करना पड़ेगा भाई साहब, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम क्रैशेज हो, लेकिन ये कार बीच में लेके आ जा रहे हैं। ओके यहाँ पे एक बैरल रोल पॉसिबल है, यहाँ पे कर लिया, एक शॉक वेव देते हैं, थोड़ा आगे निकलते हैं, इसको वो करते हैं, ओवरटेक कर लिया हमने, ये ट्विस्टिंग वाली ओवरटेक ना मस्त लगती है। ओ यहाँ पे हो सकता है एक बैरल रोल, अरे नहीं कर पाया मैं बैरल रोल, शिट, अरे यार फिर अब एक और जगह पे देखना पड़ेगा कहीं पे। और भाई साहब मैं कितना, ओ ये कार्स को, मुझे लगा मैं ठुक गया, भाई साहब उन्होंने पीछे से पूरा दबा दिया था मेरे को यार, मेरी कार को मतलब। यहाँ पे भी बैरल रोल पॉसिबल नहीं है, इधर चलते हैं भाई, यार सिर्फ 30% रेस बाकी है,
या तो रेस जीतो या तो बैरल रोल करो, दोनों में से कोई एक तो टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। बैरल रोल के लिए मेरे को एक बार और जंप मिल जाए ना तो बैरल रोल कंप्लीट कर दूंगा मैं। ओके यहाँ पे हो सकता है। डैम क्या जीता हूँ मैं, वो मैप से बाहर पहुंच गए भाई। ये बहुत तगड़ी रेस थी भाई, बहुत तगड़ी रेस। ओके 10,600 देख रहे हो कितना पैसा छाप सकते हो तुम लोग, अंधा ही क्रेडिट मिलेगा। ओके हमारी 9th रेस भी कंप्लीट हो गई, अब हमारे पास बचा है 10, 11 और 12। फटाफट से 10 खेलते हैं अब। सेम कार रेस स्टार्ट, अपग्रेड करना पड़ेगा टायर, अपग्रेड करना पड़ेगा इसमें। और मेरे पास तो अपग्रेड करने के लिए इसके ब्लूप्रिंट्स भी नहीं है। अब अगर मैंने रेस स्टार्ट की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक बार ना ट्राई करते हैं प्ले एनीवे। अगर रेस खेल लेते हैं तो विन द रेस और दो शॉकवेव तो इजी है, बट रेस विन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसमें, क्योंकि इसमें जितने लेवल की मतलब जितने रैंक की कार अपग्रेड होनी चाहिए उतनी की है नहीं। मेरे ख्याल से ये रेस जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, देख लेते हैं एक बार। मुझे स्टार्टिंग में नाइट्रो यूज़ नहीं करना चाहिए था सीरियसली। पहली शॉकवेव कंप्लीट। ओ भाई इस बार रेस अच्छी हो रही है, स्पीड ज़्यादा है इस बार कार की। दो शॉकवेव मैंने कंप्लीट कर लिया, अब जस्ट मेरे को रेस जीतना है। नहीं पानी में नहीं भाई साहब। ओ डैम बच गया, मैं गया पानी के अंदर, बहुत बढ़िया। एक गलती की वजह से मैं रेस में फर्स्ट से फोर्थ हो गया, और अब मैं ट्रैफिक से ठुकूंगा, पता नहीं कहां कहां ठुकूंगा। अब तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, रेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, अब तो पॉसिबल ही नहीं है आगे पहुँचना। मैंने वो शॉक वेव के चक्कर में और थोड़ा स्टंट्स के चक्कर में ख़राब कर लिया रेस। मैं इस रेस को रीट्राई करूँगा, चलो रीट्राई। या इस कार को मैं अपग्रेड करूँ भाई, इसे उस रैंक तक ले जाना इम्पॉसिबल है भाई, ये कार भी नहीं हो सकती। कितने रैंक की रिक्वायरमेंट है इसके लिए, मुझे बस इसमें एक अपग्रेड और देना पड़ेगा। एक अपग्रेड दूँ नहीं यार, 700 या 800 चाहिए मेरे को। 1700 1800 भाई बहुत डिफरेंस है। एक और बार ट्राई करते हैं क्योंकि लास्ट फ्यूल बचा है मेरे पास, अगर जीत जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे इसे। चलो भाई प्लास्टिक उड़ते हुए दिख रहे हैं भाई, इतनी अच्छी हवा चल रही है क्या वहाँ पे। मैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही निट्रो कलेक्ट करते हुए चलना चाहिए। मैं यहाँ पे शॉक वेव देता हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। इस बार भाई रोड जाऊँगा, जंप वंप करना बहुत रिस्की है भाई साहब। ओ नहीं मैंने गलत निट्रो यूज़ किया, अरे डबल ट्विस्ट वो क्यों हुआ। बहुत बढ़िया चांस, मैं जीत सकता हूँ। नहीं ओ कार, ओ गॉड डैम यस, क्या ही रेस थी भाई ये। ओ कार भाई साइड से बाहर निकल रही थी, क्या ही मारा मैंने उसे। देखो आगे देखो तुम लोग, बस इसको फ्री कर देते हैं। हाँ अभी देखना यहाँ पर मैंने क्या ही मारा यार उसे। ये क्या है, FOV को थोड़ा नहीं, FOV पूरा दूर रखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितनी दूर से दिखेगा मज़ा आएगा। यहाँ पर इसे हटा देते हैं फिलहाल, अब देखना यहाँ पर जैसे ही मतलब वो रेस ख़त्म होते होते भाई साहब मैंने विद इन कुछ सेकेंड्स के अंदर जो मैंने उस कार को टैकल दिया है रोल करते हुए, मज़ा आ गया था। यहाँ पर भाई मिस रोल हुआ था, पता है यहाँ पर दो बार जो रोल हुआ ना वो मिस रोल हुआ था, तो यहाँ पे दोनों कार टैकल हुई, मेरे को लगा कि भाई जीत जाएंगे। फिर उसके बाद भाई मैंने देखा मैप से, हाँ साइड से कार आ रही थी भाई साहब, मैंने उसी टाइम ट्विस्ट कर दिया। अगर मैं वो चीज़ नहीं करता ना भाई साहब मैं फर्स्ट नहीं आ पाता,
देखा भाई, तुम्हारे भाई ने बिना कार को अपग्रेड करे ही ये चीज कर दी। देखा, कार मैटर नहीं करती, रेसर मैटर करता। रेसर अच्छा हो तो कार तो बेकार भी चला ले। और अब तो मेरे पास फ्यूल भी खत्म हो गया। ओह गॉड डैम, आधे घंटे रुकना पड़ेगा इसको स्किप करने के लिए। फिर से दोबारा 18 वो देना पड़ेगा, 18 टोकन। खैर छोड़ो गाइज, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये वाली दो रेस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि भाई मेरे को कार को अपग्रेड करना पड़ेगा तो उसके ब्लूप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए मेरे को रेस करते रहना पड़ेगा बीच बीच में, बैकग्राउंड मतलब वो मैं ऑफलाइन कर लूँगा। बाकी थोड़े बहुत इवेंट चेक कर लेते हैं, ये कुछ खास नहीं है। और यहाँ डेली इवेंट के अंदर अभी तक कोई नई रेस, ओके ये नई रेस आई है। इसमें क्या मिल रहा है, टॉप 100% को क्लास डी के दो कार्ड्स, फिर क्लास डी का एक और कार्ड, 10,000 क्रेडिट्स, 20,000 क्रेडिट्स। कार कौन सी यूज़ करने के लिए दे रहे हैं ये लोग, शेवरलेट यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, पूरी मैक्स कार है। एक बार इसकी रेस भी ट्राई कर लेते हैं गाइस, ठीक है। इवेंट रेसें करते रहना चाहिए, मिलता रहता है कुछ ना कुछ। मैक्स कार है, अगर फर्स्ट आ जाते हैं तो मज़ा आ जाएगा। हालांकि इसमें तो भाई बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट आना, और अगर फर्स्ट भी आ जाते हो तो टॉप लिस्ट में नहीं आ पाओगे। टाइम वाला रेस है व्हाट? अरे यार इसमें तो फिर फर्स्ट लास्ट का कोई सीन ही नहीं है। चलो फिर विद इन कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा भाई ये रेस। और ये क्या प्लेन की आवाज़ आ रही थी, क्या था ये? बहुत, अबे यार ये प्लेन फॉलो कर रहा है मुझे। चल चल चल, 24 सेकंड हो गए। ओह गॉड, ये रेस वाकई बड़ी है भाई। मतलब जितने सेकंड, मतलब जितने लंबा मैप है ना, ऑलमोस्ट मैं उसी पे चल रहा था अभी तक। अब आगे पीछे हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं रेस आउट ऑफ मैप जाकर? भाई इसमें मैं टॉप 100% में ही आने वाला हूँ पक्का। आउट ऑफ मैप में चला गया दो बार, कार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है ये। अरे भाई बाहर निकल जा, ये कैसा रास्ता है देखना। मैं, अरे भाई देखना कैसे कैसे रास्ते हैं। तो यहाँ से टर्न आ जा रही है, कभी वहाँ से टर्न आ जा रही है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये जगह। मैं ट्रैक पर रहना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है, मतलब तो चारों तरफ मर्ड है, ट्रैक पर रहना मुश्किल हो जा रहा है। रोड पे देखो, रोड पे क्या ही कंट्रोल है इस पे। अरे नहीं, फिर मैंने मेरे को लगा आगे से जाना है, कोई फायदा नहीं हुआ भाई। तो 1 मिनट 32 सेकंड लगा दी, 34 सेकंड, कोई भी रेस कंप्लीट नहीं हुई भाई। मैं लॉन्ग रास्ता क्यों ले लिया, टॉप 100% गारंटी भाई। ये चीज़ तो ठीक करनी पड़ेगी, दो बार मैप से बाहर चला गया मैं। ओके, दो ब्लूप्रिंट मिले इसके, कार्ड पैक मिला, 10,000 क्रेडिट्स, बहुत बढ़िया। टॉप 90% में फिर भी, अरे वाह। जब ये इवेंट ख़त्म होगा तो हमें 20,000 रुपये मिल जाएंगे और ये दो कार्ड के पैकेट्स मिल जाएंगे। एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं इसको एक और रेस करते हैं, ठीक है। टॉप 80% में आने की कोशिश करते हैं। मैंने इसे ख़त्म किया 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर, अगर इसे 1 मिनट 30 सेकंड में कर दूंगा तो टॉप 70 तो पक्का। फिर से ट्राई करते हैं, एक रेस लास्ट कर रहा हूँ ये, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं भाई। और इस बार मैं बिल्कुल चुप रहूँगा, जस्ट फॉर कंसंट्रेशन।
डैम, मैंने 1:30 के अंदर ही कंप्लीट किया रेस। वाह, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा टाइम लग गया। टॉप 70% रीच करा दो भाई। टॉप 90 से टॉप 70, देखा मैंने कहा था ना, एटलीस्ट टॉप 70 तो रीच हो ही जाता है। बाकी इस कार के ब्लूप्रिंट हम 7 बार और ले सकते हैं। वाह, ये तो अच्छी चीज है यार, लेकिन मेरे को इसे 7 बार और खेलना पड़ेगा। और मेरा टाइम कितना है इस इवेंट को खेलने के लिए? 8 दिन है बस, आराम से खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अब जिस किसी को भी भाई एस्पेल्ट सीरीज पसंद है वो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना तो मत ही जाना, क्योंकि अब ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहने वाली है जब तक ये चैनल कंटिन्यू रहने वाला है। तो भाई साहब फुल सपोर्ट दिखाना इस वीडियो में भी, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। कॉमेंट में भूलना मत कि कौन सी कार फेवरेट है तुम्हारी, वो तुम्हें बताए बिना जाना नहीं है। तो कमेंट में जरूर से बता देना कि कौन सी कार तुम्हारी फेवरेट है। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।